हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके दोस्त मोनिका आज आपके सामने फिर से एक नया डिज़ाइन लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको पसंद आएगा। तो आज हम एक यूजफुल चीज़ बनाने वाले हैं। तो देखिए, मैंने अपने पीस कट कर लिए, ये मेरे एक्स्ट्रा पीस थे फ्रेंड। तो हम छोटे छोटे पीसों से भी कुछ अच्छे से अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं, उसको किसी ना किसी चीज़ पर यूज कर सकते हैं। तो ये मेरे चार पीस हैं, इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है और ये 8.5 इंच का पीस है फ्रेंड्स। ये मेरी 2 इंच की चौड़ाई है इसकी और ये भी 8.5 इंच है फ्रेंड्स। और ये जो हमारा पीस है, ये मैंने 2 पीस लिए हैं जो 5 इंच के हैं और इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है इसकी। और ये जो एक हमने जिप ले ली है, एक हमने शॉपिंग बैग का इस्तेमाल करेंगे। तो ये पीस ले लिया हमने, एक कपड़ा ये ले लिया जो हम इसको अंदर जॉइंट करेंगे। तो ये जो हमारा शॉपिंग बैग है, ये हमने इसकी लंबाई 11 इंच ली है और इसकी चौड़ाई 8 इंच ली है। तो ये हो गया फ्रेंड्स। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनका डिज़ाइन लगाएंगे। ये हमारा बाद में यूज होगा तो इसे हम साइड में रख देते हैं। तो सबसे पहले हम टुकड़ा सिल लेते हैं। तो हम एक एक पीस करके रख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये हम ऐसे एक एक करके पीस लगा लेंगे और हमें लाइन वाइज सिलना है। तो ये हमारे पीस हो गए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, हम पहले एक पीस सिलेंगे इस तरीके से ऐसे ही, फिर हम इसके बाद येलो वाला लेंगे, इसको सिल देंगे, फिर ब्लैक, फिर येलो, फिर ब्लैक। इस तरीके से हम इसको पूरे पीस को सिल लेते हैं। तो मैं आपको सिल के दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये सिल गया है। अब हमें क्या करना है, अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा एक शॉपिंग बैग हो गया, इसे हम इसके ऊपर रखेंगे और नीचे हमारा ये कपड़ा हो गया जो हमें इसके नीचे एक अस्तर का काम करेगा। तो हमने ये ले लिया। अब हम इसमें हम कुछ पिन लगा लेते हैं जिससे कि हमारा कपड़ा आपस में जुड़ा रहे इस तरीके से। तो हम इसमें पहले पिन लगा लेते हैं फ्रेंड्स, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने पिन लगा ली है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम येलो कलर का थ्रेड लेंगे और यहाँ एक सिलाई लगा देंगे और एक यहाँ। तो हम इसी पर ही सिलाई लगाते चलेंगे फ्रेंड्स, इस तरीके से इन्हीं पॉइंट पर सीधी सीधी सिलाई लगाएंगे। तो हम सिल लेते हैं फ्रेंड्स, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये सिल गया है और मैंने फिनिशिंग से कट भी कर लिया है। तो इस तरीके से ये देखिए, पीछे का भी मेरा इसी तरीके से सिला है। तो कोई सलवट वगैरह नहीं आ रही है फ्रेंड, क्योंकि इस पर हमने अच्छे से प्रेस करके ही हमने इसको सिला था। तो ये हो गया फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे जिप को लगाना है। तो अब हम इस जिप को लगाएंगे फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले हम इसको यहाँ रख के इस तरीके से सिल देंगे और पलट देंगे और फिर यही सेम हम इसको इधर करेंगे कि हम इस जगह रखेंगे और यहाँ सीधा सिल देंगे और फिर इसको पलट देंगे। तो ये हमारी जिप इसके अंदर ऐड हो जाएगी। तो हम इस जिप को ऐड कर लेते हैं फ्रेंड, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी जिप सिल गई है। अब हम इसके ऊपर एक एक सिलाई लगा देंगे। तो ये सिलाई मेरी लग गई है। यहाँ हमने इस सिलाई को दबाने के लिए ये इधर हमने दबा दी है सिलाई। अब हमें इसकी तरफ इसको भी इसी तरीके से ऐसे कर लेंगे और यहाँ एक सिलाई लगा लेंगे। तो मैं आपको सिल के दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जिप सिल गई है और अब हमें ये जितना बड़ा चाहिएगा फ्रेंड्स, जितने हमें पेन पेंसिल डालने हैं उसी के हिसाब से आप उतना ही बड़ा ले लीजिएगा। तो मैंने निशान लगा लिया है, मुझे जितना बड़ा चाहिए।
तो मैं उस यहाँ पर अब सिलाई लगा लूँगी और उसके बाद हम ये पाइपिंग पट्टी जोड़ेंगे। तो मैं सिल लेती हूँ फ्रेंड, फिर उसके बाद कट करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इधर से दोनों तरफ से सिल लिया है और जितना भी एक्स्ट्रा था वो मैंने कट कर दिया है। मुझे जितना चाहिए था मैंने उतना ले लिया। अब हम क्या करेंगे, हम ये पाइपिंग लेंगे इसे पीछे की तरफ से, इसे पहले फोल्ड करके यहाँ से हम इसको सिलेंगे और यहाँ से भी हम इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, और इसको हम यहाँ से सिल देंगे। सिलने के बाद हम इसको पलटेंगे और फिर हम इसको इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ से सिलाई लगा देंगे। तो मैं सिल के दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये कंप्लीट हो गया है और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आप भी ऐसे ही ये पाउच बनाइए और देखिए, बच्चों को हैवी हैवी ज्योमेट्री देने से अच्छा है आप इस तरीके से ये पाउच बनाइए और देखिए इसमें कितना सारा सामान आ जाता है और बिल्कुल लाइट वेट रहता है और कोई परेशानी भी नहीं होती। ये देखिए कितना सारा सामान हमारा इसमें, कितने सारे बो पेंसिल आ गई हैं इसमें। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना स्पेस है इसमें। तो आप भी अपने बच्चों के लिए इस तरीके से ये ज्योमेट्री बॉक्स बनाइए और उनको खुश कीजिए। ये देखिए नए नए कलर के कॉम्बिनेशन बना बना के अपने पसंद के, और आप ऐसे ही खूबसूरत डिज़ाइन बनाइए। और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी के लिए बाय।